हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपको ये जाली वाला टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, इसकी क्रोशिया जैसी लुक आएगी बनने के बाद। आप देख सकते हो, इसमें मैंने तीन कलर लगाए हैं। तीन कलर जब हम फ्रेंड्स लगाते हैं, एक दो तीन, तो हमारी आमने सामने उसी कलर की कली आएगी। और अगर आप इसको दो कलर में बनाना चाहते हो तो दो में भी आप इसको बना सकते हो। लेकिन जिस जिस कलर से आप स्टार्टिंग करो, दूसरे कलर से आपको एंड करना है, तभी हमारा ये डिजाइन सही फिट बैठेगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंने इसको कैसे बनाया है। तो डिजाइन को समझने के लिए प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा। ये मैंने 31 फंदे का बनाया है, दो दो फंदे का। फ्रेंड्स, हमारा इसमें डिजाइन चलेगा ये जाली वाला, और एक एक फंदा मैंने किनारे पे लिया है एक फंदा। तो ये मैंने 31 फंदे का बनाया है। आप देख सकते हो, ये इतना बड़ा बना हुआ है। और अगर आपको पूजा का आसन वगैरह बनाना है तो आप 40 फंदे का बना लीजिए, 51 फंदे का बना लीजिए, या 41 फंदे का बना लीजिए। तो जोड़े के हिसाब से फंदे डाल के फ्रेंड्स, जितना भी आपको बड़ा बनाना है, एक फंदा आप एक्स्ट्रा उसमें डाल लीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी मैंने इसको कैसे बनाया है। ये इसमें मैंने सिंपल, देखिए, सिंगल धागे से मैंने इसमें 21 फंदे डाले हैं, और एक मैंने इसमें बेसिक उल्टी उल्टी रो बनाई है। वो कैसे बनाई है मैं आपको बताऊंगी। उल्टा उल्टा बना के मैंने इसको कंप्लीट किया है। एक रो उतार रखी है, ये उल्टी साइड से है, रॉन्ग साइड से। ऐसे मैंने इसको पहले बनाया था, ये दूसरी रो है। अगली रो से हम अपना इसमें डिजाइन डालना शुरू करेंगे। सारे फंदे आप दूसरी नीडल में बना के उतार लीजिए। देखिए, किनारे का फंदा हम ऐसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए, दो रो मेरी इसमें हो गई। ये हमारी सीधी तरफ है, ये आप देख सकते हो नीचे फंदे की किनारी। और फंदे आप फ्रेंड्स जैसे आपको आते हैं वैसे ही आप इसमें डालिए। इसमें बिल्कुल सिंपल फंदे डालने हैं मैंने। ये सिंगल धागे से इसलिए डालने हैं जब हम सिलाई करें तो हमारी यहाँ से मोटी लेयर ना बने। ये देखिए, फर्स्ट वाला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा। ध्यान से देखिए, धागे को अपनी तरफ करेंगे। ये देखिए, ये दो फंदे का हम एक बना लेंगे। एक हमारा ये जाली से बढ़ गया और एक हमारा ये बढ़ गया। निडल में से हमने फंदे नहीं निकालने हैं। ध्यान से देखिए, आगे फिर से धागा करेंगे और एक बार और इसमें से हम निकाल देंगे। ये दो फंदे का हमने चार फंदा बना लिया। ये देखिए, एक किनारे का है और चार हमारे ये आ गए। ध्यान से देखिए, दोबारा धागे को आगे करेंगे। इसी को हमने रिपीट करना है। दो फंदे का ही डिजाइन है। ये देखिए, दो का एक किया, एक हमारे जाली से बढ़ गया, ये हमारे बन गए दो फंदे। धागा फिर से आगे करेंगे, दो के दो फंदे बन गए, और फिर से बना देंगे तो दो के फंदे हमारे ये चार बन गए। फिर से देखिए, दो फंदे का हमने एक फंदा किया, एक हमारा जाली से बढ़ गया, देखिए दो बन गए। फिर आगे करेंगे, सॉरी, इसमें से हम निकाल लेंगे नहीं, ये हमारे दो फंदे बन गए। फिर से हम आगे धागा करेंगे और हम देखिए आगे करेंगे और हम दो फंदा बना लेंगे। फिर से आगे करेंगे और दो फिर से बना देंगे। ये देखिए, फिर से आगे करेंगे, दो फंदे के दो बना लिए, एक बार फिर करेंगे, दो और हम इसमें बना लेंगे। ये देखिए, इसी पैटर्न को आपने
जितने भी आप फंदे डालो फ्रेंड्स, आपने ऐसे ही रिपीट करना है। देखिए एक हमारा ये जाली से बढ़ जाता है एक बार, दूसरी बार फिर हमारा एक जाली से बढ़ जाता है और एक हम फंदे में से निकाल के बना लेते हैं। तो दो फंदे के इस रो में सीधी तरफ से हमने दो फंदे के चार फंदे बनाने हैं। ये दो रो का ही फ्रेंड डिजाइन है, ध्यान से देखिए, फिर से आगे करेंगे और दो फंदे का चार फंदा बना देंगे। देखिए एक जाली से बढ़ा लिया और एक बार हमने बना लिया, फिर से आगे करेंगे एक बार फिर बना देंगे। देखिए दो फंदे के दो बनाए, दोबारा से दो और बना लेंगे। ये दो और बनाएंगे फ्रेंड्स और दो फंदे हम एंड में छोड़ देंगे। देखिए एक बार और देख लीजिए ध्यान से, दो फंदे के हमने दो बनाए, निडल में से निकालना नहीं है, धागा आगे करेंगे और हम एक बार और बना देंगे। ये देखिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, दूसरी तरफ से हमने वापस अपने फंदे उतने ही बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए स्टार्टिंग के दो फंदे लिए मैंने और हम दो का एक कर देंगे, फिर से निडल डाल के दो का एक कर देंगे। ये हमारे पास चार फंदे थे तो चार के हमने दो फंदे बना लिए। ये आपको ऐसे जोड़े से दिखाई देंगे। ये देखिए पहले हम ये आगे के दो ले लेंगे, इनको बना देंगे, आराम से निकालिए कभी इसके साथ ये निकल जाए, और फिर हम ये पीछे वाले बना देंगे। देखिए एक रो में हमने फ्रेंड्स, बहुत ही आसान डिजाइन है, एक रो में हमने दो फंदे के चार बनाने हैं और दूसरी रो में बैक साइड से हमने चार फंदे के दो फंदे बनाने हैं। देखिए ये सारे ही फंदे हम ऐसे उतार लेंगे। ये थोड़ा सा फ्रेंड्स खुला खुला लूज लूज बनेगा और बहुत ही जल्दी बन के ये कंप्लीट होगा। ये देखिए ये एंड के भी मेरे दो हैं, मैं बना लूंगी और ये किनारे का जो हमने रखा था इसको हम सीधा बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं और आपको बता दूं, फिर मैं इसको हाफ गली को कंप्लीट करके दिखाऊंगी। देखिए आगे धागा करेंगे, अब हमारे फंदे लूज हो गए, एक ये जाली से बढ़ा लिया हमने और एक ये दो फंदे का दो बना लिया, धागा आगे करेंगे और फिर से एक बार इसको ऐसे बना देंगे, धागा आगे करेंगे। देखिए दो फिर से बना देंगे, दो फंदे का चार। ये देखिए ये बनाया, इसी को आपने रिपीट करते जाना है। ये देखिए दो फंदे हमने पहले छोड़े थे, दो हम इस बार छोड़ देंगे। ये देखिए दो बनाए, दो के हमने चार बना लिए, ये हम दो और बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी रो पूरी कंप्लीट हो गई, दो फंदे हमने इस बार छोड़ दिए। हर बार हमने दो फंदे छोड़ के और हमने यहाँ एक फंदा बचने तक, यहाँ तक एंड तक हमने आ जाना है। देखिए आप एक बार और देख लीजिए, रॉन्ग साइड से हमने दो का एक करेंगे चार के जोड़े में से और फिर से दो का एक करेंगे। देखिए
ये आपको बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। पहले हम ये वाले ले लेंगे, फिर हम ये वाले ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस रो को भी कंप्लीट करती हूँ, एंड तक हम इसको हम सीधा बना लेंगे। और ये हम चार के दो दो फंदे बना लेंगे, और सीधी तरफ से मैं दो दो फंदे छोड़ते हुए मैं यहाँ तक इसको बना लेती हूँ। ये हाफ कली हमारी फ्रेंड्स ये बन के देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं ऊपर का बताऊंगी कि हमें ये जाली से जाली कैसे मिलानी है। तो मैं इसको यहाँ तक बना लेती हूँ। देखिए ये सारे ही दो दो फंदे करके मैंने छोड़ दिए हैं, ये दो फंदे मेरे पास बचे हुए हैं। आपके प्रोजेक्ट में भी जितने फंदे हों आप ऐसे ही दो दो करके सबको छोड़ दीजिए। ये देखिए लास्ट वाला फंदा है मेरा, इसको मैं बनाऊंगी। ये देखिए दो बनाए और फिर से दोबारा डाल के दो और बना लिए, और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। और इसको हम सीधा बना देंगे। अब देखिए सारे ही फंदे जब आपके यहां तक कंप्लीट हो जाएं, फिर आपको क्या करना है, ये सारी रो हम धागा हम अपनी तरफ करके और उल्टा उल्टा बना के इसको कंप्लीट करना है। इस रो में हम सारे ही फंदे एंड तक बना लेंगे जो हमने दो दो करके छोड़ रखे हैं। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार का हमारा ये डिजाइन हमने दो दो करके छोड़ दिए हैं, कंप्लीट हो गया। अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ से, जैसे आपके पास थोड़ी थोड़ी ऊन है, ज्यादा नहीं है, तो आप ये हाफ कली बना के, ये देखिए ये इतना बना के, और आप यहाँ से भी दूसरा कलर लगा सकते हो। जैसे यहाँ से मैंने ये दो कली मिला के बना रखी है कलर की, आपकी इतनी बनेगी हाफ एक कलर की, हाफ एक कलर की, तो आप यहां से दूसरा कलर अब लगा सकते हो। मैं इसको बाद में लगाऊंगी, जैसे मैंने बना रखा है तो मैं इसको इसी कलर से बनाऊंगी, और ये रो भी मैं उतार के कंप्लीट करूंगी। अब हमारे डिजाइन में थोड़ा सा चेंज आएगा, बनाने का तरीका सेम है लेकिन हमने फंदों में हमारा चेंज आएगा। ये देखिए एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से हमने सिंपल रो उतार ली है इसमें। ये देखिए अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, जैसे हम फंदे दो दो करके छोड़ते आए हैं एंड तक, अब हम सबसे पहले यहां से बनाना शुरू करेंगे और एंड तक जाएंगे, उससे हमारा ये यहाँ पे कॉर्नर बनेगा और हमारी लाइन से लाइन मिलेंगी। तो कैसे मिलेंगे, देखिए एक बनाया, ये दो, लास्ट में हमने दो फंदे छोड़े थे तो हम इनको ही सबसे पहले बनाएंगे। देखिए एक फंदे का दो किया, दोबारा से डाल के दो फंदे का दो किया, और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। दो दो करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे नीचे तक, वो मैं आपको एक बार स्टार्टिंग करके दूंगी। ये देखिए उल्टी तरफ से हमने चार फंदे का दो फंदा बनाना है, दो फंदे हमने बना लिए। दोबारा से फिर देखिए दो हम ये बनाएंगे उसी डिजाइन से, दो फंदे का चार फंदा किया, और इस रो में दो फंदे और मैं इसमें नीचे से ले लूंगी। धागा अपनी तरफ किया और हम दो फंदों पे और हम डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स दो दो फंदे करके हमने राइट साइड से इसमें ऐड करने हैं, हमने एंड तक जाना है। तो हमारे ये फ्लावर से फ्लावर
मिल जाएंगे, लाइन से लाइन मिलेंगी। ये देखिए, जैसे आपने फंदे छोड़े थे फ्रेंड्स, चार फंदे मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, ये आप देख सकते हो, ये हमारी लाइन से लाइन मिलेंगी। और फ्रेंड्स, जितनी जाली हमारी यहाँ नीचे है इतना ही हमने ऊपर बनाना है सेम पैटर्न के साथ। तो दो हम इस बार ये ऐड कर लेंगे, ये बनाएंगे और इसके साथ ये ऐड करेंगे, अगली रो में फिर हम ये करेंगे। तो हम यहाँ तक एंड तक फ्रेंड्स इसको मैं बना लेती हूँ, फिर ऊपर का बताऊंगी हमें क्या करना है। और देखिए, ये हमारा यहाँ पे कॉर्नर बन के ये देखिए दिखने लग गया शेप इसकी। और ये हम इतना ही ऊपर बनाएंगे, दो दो करते हुए हम यहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। फिर देखिए, ये कली मेरी बन के कम्प्लीट हो गई, आप देख सकते हैं। ये लास्ट के दो फंदे मेरे बचे हुए हैं, तो ये देखिए इसको भी मैं बना लूंगी। ऐसे ही आपने शुरू से लेके जितने भी आपके पास फंदे हों, आपने ऐसे ही एंड तक बना लेना है। सबसे हमने पहले फंदे छोड़े थे, तो आप इनको थोड़ा सा लूज कर लीजिए। ये देखिए, एक फंदे, दो फंदे में से दो बनाए, एक बार और हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, सारे हीरो हमने बना के कंप्लीट कर ली है, एक कली हमारी कंप्लीट हो गई। ये देख सकते हो आप, लाइन से लाइन हमारी इसमें मिल गई है। जितनी जाली इधर है इतनी ही मैंने इधर बनाई है, क्योंकि हमारी रो बराबर उतरती है। ये देखिए, अब इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, दो फंदों का एक किया। तो फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ तक बना लेती हूँ, उसके बाद ऊपर हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये रो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम सीधी तरफ हैं, ये कली देखिए, एक कलर की मैंने इतनी बनाई है, तो ये मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से हम वैसे ही रो बनाएंगे जैसे हमने पहले बीच में बनाई थी, जब हमारे दो दो फंदे हम एंड तक आए थे। तो ये सारे ही फंदे अब हम उल्टे बना लेंगे। बहुत आसान डिजाइन है फ्रेंड्स, अच्छे से कोशिश की है समझाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, अब हम रॉन्ग साइड हैं, तब भी हम डिजाइन अपना वो कलर लगाएंगे दूसरा, तो बैक साइड से लगाएंगे। और अगर इसी कलर से आपको एक से बनानी है तो आप कंटिन्यू बना लीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैं सेकंड कलर इसमें मैं लगाऊंगी, तो वो हम कैसे लगाएंगे इसकी मैं बाद में नोट लगा दूंगी। इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए, ये देखिए इस साइड से हमने अपना इसमें कलर दूसरा ऐड कर लिया है। इसको भी हम उल्टा ही बनाएं, क्योंकि हमने यहाँ पे कलर ऐड किया है। ये देखिए, राइट साइड के इसको हम ऐसे बना लेंगे और फिर हम धागा इधर लेके आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन हमने वैसे ही फिर से शुरू करना है। हम ये देखिए, सेकंड कली की मैं स्टार्टिंग करके आपको दे रही हूँ, दो फंदे के दो बनाए, फिर से इसमें डाल के ये देखिए, एक बार फिर देखिए, दो फंदे का हम दो बनाएंगे, फिर से नीडल डाल के ये देखिए, ये ऐसे ही हमने जैसे नीचे से स्टार्टिंग की थी ऐसे ही हमने ये डिजाइन स्टार्ट करना है। और एंड में हमने दो फंदे छोड़ देने हैं। एंड में फ्रेंड, दो दो फंदे छोड़ते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे, तो हमारा इतना ये बन जाएगा। फिर से हमने बीच में ये देखिए, मैंने उल्टा उल्टा बनाया है, एक रो सीधी तरफ से, एक रो उल्टी तरफ से। और फिर से आपने यहाँ से स्टार्टिंग से दो फंदे लेने हैं और दो दो करते हुए ऐड करते जाना है। तो ये हमारी लाइन से लाइन
मिल जाएंगे, फ्लावर से फ्लावर हमारे मिल जाएंगे, देखिए जाली से जाली मिल जाएंगे। तो आप इसको फ्रेंड्स जब कंटिन्यू बनाओगे तो ये देख सकते हो आप, ऐसे इसकी लुक आएगी। ये देखिए जब आप दोबारा से डिजाइन शुरू करते हो थोड़ी सी ये बड़ी जाली बनेगी, लेकिन ये गंदी नहीं लगती, अच्छी लगती है इस डिजाइन में, क्योंकि ये जाली का ही डिजाइन है। और फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल भी बीच में होल नहीं बनेगा। अगर आपका मन करे तो कोई बीच में यहाँ पे लगाना, जैसे मैंने ये पोम पोम लगाया है, या कोई आप फ्लावर लगा देना, और अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी ये अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना और मुझे बताना ये आपको डिजाइन कैसा लगा। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और डिजाइन पसंद आए हो तो लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।